अतवादियों नाल लोहा लैण वाले कामरेड बलविंदर सिंह दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया। सरकार ने दिता सी शौर्य चक्र। पंजाब च काले दौर दौरान अतवादियों नाल बहादुरी नाल लड़न वाले कामरेड बलविंदर सिंह भिखीवेंड दा अज सवेरे उन्हां दे घर कतल कर दिता गया। तरन तारण तो साडे सहयोगी कमलजीत सिंह वाह ने जानकारी दिंदियां दस्सिया कि तरन तारण जिले के पिंड भिखीवेंड विखे अणपछाते लोगों ने गोलियां मार के कामरेड बलविंदर सिंह नूं मौत दे घाट उतार दिता है। पंजाब च अतवाद के दौर दौरान कामरेड बलविंदर सिंह ने अतवादियों नाल लोहा लिया सी, जिस करके कामरेड बलविंदर सिंह नूं भारत सरकार वल्लों शौर्य चक्कर नाल सन्मानित किया जा चुका है। जी असल च अतवाद के टाइम पर पिता जी होना ने साडे परिवार को चार शौर्य चक्कर मिले आ। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने चार राष्ट्रपति अवार्डा नाल नवाजिया ही, क्योंकि इन्होंने अतवाद टाइम च बहुत बहादुरी विखाई, बहुत मुकाबला किए इन्होंने अतवादियों के नाल। तो इन्हों की सिक्योरिटी वापस ली पुलिस ने काफ़ी बार, बड़ी बार लॉकडाउन तो पहला वापस ली सिक्योरिटी, उस तो पहला भी बड़ी बार इन्होंने सिक्योरिटी वापस ले लेंगे। तो शौर्य चक्कर चार मिले साडे परिवार को, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अलॉटड आ। तो वो जो कोई प्रोग्राम कोई गलबात होंगी, इलैक्शन होंगी, कोई निकी मोटी होर कोई गलबात हो जाती है, तो होर कितों तो फोर्स वापस सदे नहीं लेंगे किसी की सिक्योरिटी, इतों सिक्योरिटी वापस ले लेंगे ही। तो बड़ी बार पहले जो एस एस पी साहब आए उन्होंने कोल भी जाके जाके मिलते रहे, एप्लीकेशन भी इन्होंने दिखाई वा, दरखास्त की कि मेरी सिक्योरिटी दो, मेरे को सिक्योरिटी नहीं हैगी, तो मेरा इदा का पिछड़ा रहा वा, इतिहास रहा वा, तो मैं बड़ी ज्यादा लड़ है सिक्योरिटी की। तो यो इतों नहीं एस एस पी साहब तो कोई गल बनती पहलिया तो, फिर उपर आई जी परमार साहब न भी इन्होंने की रिक्वेस्ट की, डी जी पी पंजाब उन्होंने भी जाके मिले ही, उन्होंने एप्लीकेशन पाइया। दिनकर गुप्ता साहब न भी इन्होंने रिक्वेस्ट की जाके कि मैं सिक्योरिटी की बड़ी लड़ है, तो सिक्योरिटी नहीं मिल रही उन्होंने, काफ़ी टाइम होकर सिक्योरिटी नहीं मिली। कामरेड बलविंदर सिंह अज तड़के 7:30 बजे अपने घर में मौजूद सी। इस दौरान कुछ अणपछाते व्यक्ति उन्होंने घर आए, तो इन्होंने व्यक्तियों ने अचानक कामरेड बलविंदर सिंह से पिस्तौलों नाल ताबड़तोड़ गोलियां चलाउणियां शुरू कर दित्तियां, जिस कारण कामरेड बलविंदर सिंह की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुँच के जाँच शुरू कर दी है, पर पुलिस अजे तक यह नहीं दस पा रही कि हमला कोई अतवादी सी जां किसी होर व्यक्ति का हाथ से। उन्हों की सुरक्षा कुछ समा पहला वापस ले ली गई सी, जिसका विरोध कामरेड बलविंदर सिंह ते उसके परिवार वालों किया गया सी, पर इसके बावजूद भी उन्हों की सुरक्षा वापस नहीं की गई, जिस कारण अज एक वड्डी जिहड़ी वारदात नूं अंजाम दिता गया। तो कामरेड बलविंदर सिंह जो कि अतवादियों नाल लड़दे हुए भारत सरकार वालों शौर्य चक्र नाल सन्मानित किए जा चुके सी, उन्हों की मौत हो गई है। मालक कामरेड बलविंदर सिंह जी का कतल होया, की कहना चाहते सर इस बारे? पड़ताल कर रहे हैं जी, ठीक है। हुण तक की जो इनफॉर्मेशन है वो मुताबिक दो बंदे आए थे, और एक बंदे ने अंदर आके इन्हों घर के अंदर आके मारिया है। एफ आई आर रजिस्टर्ड की थी और असी पड़ताल। सर परिवार का इल्ज़ाम है भी जिहड़ा आई जी परमार नूं ते उच्च अधिकारियों नूं पुलिस दियां नूं कहा सीगा भी इन्हां दी सिक्योरिटी वापस ना लो, वो सिक्योरिटी लैण दे नाल जिहड़ा इन्हां दा हुण कतल होया, वो बस अभी एग्जामिन कर लाँगे। असीं कह रहे हो उहदे नाल कोई लेना देना नहीं। हुण सर किस तरह जाँच चल रही है? हाँ चल रही है जी, वो बारे ना जल्दी असी जो भी है पिछले बंदे उन्होंने फड़ के जल्दी कर लाँगे।